हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में मूव ऑन पी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। मूव ऑन पी टैबलेट का मुख्यतः उपयोग दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिए। इप्का लैबोरेटरीज कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 50 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। मूव ऑन पी टैबलेट में एसिक्लोफिनेक आईपी 100 mg, पैरासीटामॉल आईपी 325 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एसिक्लोफिनेक यह नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। पैरासीटामोल यह ड्रग ब्रेन से निकलने वाले उन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो बुखार और दर्द का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग बदन दर्द की समस्या, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जिसे हम मस्कुलर पेन कहते हैं, जोड़ों का दर्द, मोच, अकड़न, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, बुखार या फिर अन्य किसी भी प्रकार का दर्द दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द होकर सूजन आने की समस्या, इसे हम रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसे ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब यह भी एक जोड़ों से संबंधित दर्द होता है। इसमें जोड़ों में दर्द के साथ उनके हिलने डुलने की गति भी कम हो जाती है, इसे हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, उस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको एसिडिटी, पेट दर्द, दस्त, मितली, उल्टी, कब्ज ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसिन या पेन किलर टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से उस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। उस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।